अगर मानना है और राय का फैसला अगर कोई है तो फिर राम पूरा पुराई है जो दो मिनट खड़े होकर इस उदारता के लिए माननीय मंत्री जी का जोरदार स्वागत करेंगे। दो मिनट में खाली बची। भाजपा कार्यालय के भूमि पूजन के उपलक्ष्य पर हम लोग के बीच उपस्थित बिहार सरकार के भूमि सुधार मंत्री, भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग के मंत्री, हमारे गार्जियन परम आदरणीय श्री रामकिशोर राय जी, हमारे माननीय मंत्री जी की उदारता देखिए, आज जो कार्यक्रम हो रहा है, जो ऐतिहासिक क्षण है, जिसके ऐतिहासिक क्षण के हम लोग गवाह हैं, माननीय मंत्री जी का जमीन, माननीय मंत्री जी का निजी फंड और कार्यालय का उनका नाम रखिए भाजपा कार्यालय। हम सभी आप सभी लोगों से आग्रह करेंगे जो दो मिनट खड़े होकर इस उदारता के लिए माननीय मंत्री जी का जोरदार स्वागत करेंगे। दो मिनट में खाली बची होनी चाहिए, ऐसा उदारता ऐसा मन पूरे बिहार में निश्चित रूप से अभी जो वर्तमान में कार्यालय चल रहा है उस कार्यालय में अभी तक लगभग हमको लगता है जो 900 आवेदन वर्तमान कार्यालय में आ चुका है और वर्तमान इस कार्यालय में आया हुआ आवेदन का निष्पादन के लिए बड़ा पूछ चला गया है, सब पूछ लिया हुआ है। तो यहां सारी व्यवस्था बनी हुई है, माननीय मंत्री जी के द्वारा सारा व्यवस्था है, हम लोग कहीं इधर उधर नहीं भटकना है, जो भी काम हो अपना कार्यालय से संपर्क करना है और प्रत्येक महीने के अंतिम शनिवार को माननीय मंत्री जी स्वयं यहां रहते हैं और कटरा ब्लॉक के जितने भी पदाधिकारी हैं सभी लोग यहां उपस्थित रहते हैं। और आज मैं निश्चित रूप से ये मेरी पूरी जीवित धरती है, हम लोग बातें हैं जो यहां पे और आज की धरती स्वर्गीय गणेश प्रसाद यादव जी की धरती है राजनीतिक रूप से, लेकिन हमारा मानना है, हम सबका मानना है और राय का बेटा अगर कोई है तो श्री राम सूरत राय है। गीत गाता हूं हमारे माननीय मंत्री जी को जो विभाग मिला है बिहार सरकार के द्वारा, निश्चित रूप से ये विभाग संघर्ष से जाकर बिखरा हुआ है, इतना सारा कैंपस से करते हुए माननीय मंत्री जी ने सबसे पहले इस क्षेत्र में पूरे बिहार में जितना दलित हो, महादलित हो, अनुसूचित हो, पिछड़ा हो, सबको जमीन आवंटन करवाने के लिए वास्तविक पता दिलाने के लिए निश्चित रूप से कैंप लगाकर सभी राज्यों को वास्तविक पता का प्रतिबंध हो रहा है, सभी भूमिहीन को भूमि मिल रहा है, लेकिन इसके साथ साथ जब आजादी के बाद तक सवाल